हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। तो केवीएस ने जो है कि रिवाइज एग्ज़ाम डेट शेड्यूल जारी कर दिया है। ठीक है, केवीएस ने क्या कह रहा है, केवीएस ने एग्ज़ाम जो डेट थी आपकी उसको रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो जो रिवाइज एग्ज़ाम डेट शीट है इसमें शिफ्ट भी उसने मेंशन कर दिया कि आपका पेपर जो है किसका सुबह होगा, किसका शाम को होगा। ठीक है, जैसे TGT SST हो गया, PRT का किस डेट का सुबह होगा, किस डेट का शाम को होगा। तो शिफ्ट वाइज जो है यहाँ पे रिवाइज शेड्यूल जो है जारी कर दिया KBS ने। तो दोस्तों, आपका टाइम ना लेते हुए आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आप देख सकते हैं तारीख जो है 9 की है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ ये चीज़ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 9/2/2023। अब इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है, नोटिस में क्या है, सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू असेंबली इलेक्शन इन सम स्टेट इन रिवाइज, यहाँ पे लिख रखा है द रिवाइज शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑल पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं 1516 इज गिवन बिलो। तो दोस्तों, यहाँ पे शिफ्ट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट दे रखा है, यानी अभी तक आपको ये नहीं पता था कि किस शिफ्ट में आपका पेपर होगा, तो यहाँ पे शिफ्ट भी दे रखा है, किस डेट को कौन से शिफ्ट में पेपर जैसे होगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे सीधे लिख रखा है असिस्टेंट कमिश्नर का, इसमें दोस्तों PRT जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट सबका है इसमें। ठीक है, जितने भी KBS की पोस्ट है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिफ्ट वाइज दे रखा है असिस्टेंट कमिश्नर का, यहाँ पे 7 तारीख को जो है सुबह वाले पाली में, और 7 को ही एक दो दूसरे पाली में जो है दूसरा पेपर। ठीक है, 2 पेपर होना था इनका। उसके बाद 8 को आप देख सकते हैं प्रिंसिपल का पेपर 1 है, 8 को जो है सेकेंड पाली में, यहाँ पाली भी दे रखा है, यहाँ पे मतलब ये देख सकते हैं आप शिफ्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड और 1 के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि 9/2/2023 को जो है वाइस प्रिंसिपल का पेपर फर्स्ट है, फर्स्ट शिफ्ट में है। 9/2/2023 को वाइस प्रिंसिपल पेपर सेकेंड एंड PRT म्यूजिक है, ये जो है आपका दोस्तों सेकेंड पाली में। ठीक है, 9 तारीख को ही। तो उसके बाद SST का आप देख सकते हैं दोस्तों, SST TGT वाले देख लें, सोशल साइंस वाले, यहाँ पे 12 तारीख को उनका पेपर है, 12 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पे TGT साइंस वाले, आप साइंस वाले अगर देखें तो यहाँ पे उनका जो है कि सेकेंड पाली में होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले हो गए, ठीक है, तो इंग्लिश वाले यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट पाली में होगा 13 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्ट भी दे रखा है, तो आप इससे शिफ्ट देने से ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको सुबह में बस पकड़ना है या शाम को। ठीक है, आप पहले से ही निर्धारित कर लेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड 2 दिन पहले दे रहे हैं तो 2 दिन में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपका सेंटर दूर जाता है तो आपको ट्रेन का टिकट वगैरह भी करना होगा, तो शिफ्ट ही इन्होंने दे रखा है, उस हिसाब से आप जो है अपना टिकट वगैरह कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है TGT 12 से लेकर 14 तक TGT का है, उसके बाद 17 को PGT स्टार्ट हो रहा है। PGT यहाँ पे हिंदी है पहला पेपर, अब फर्स्ट शिफ्ट में है। ठीक है, 17 तारीख को स्टार्ट है, फिर PGT फिजिक्स है, PGT जो है कॉमर्स है। ठीक है, 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक PGT आपका चल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें इसमें चेंज भी हुई हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके 20 तारीख तक PGT का हो रहा है, फिर PGT का कुछ और पेपर जो है यहाँ पे 23 को कर दिया गया उठा के, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे PGT और PGT जो है इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे दोस्तों CS का, ये सब जो है PGT का, इधर बीच में भी 22-23 को भी पेपर हो रहे हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी का पेपर जो है, प्राइमरी का 21 को है, 21 तारीख को जो है फर्स्ट शिफ्ट में है, और सेकेंड शिफ्ट में भी पेपर होगा। ठीक है, 2 पालियों में पेपर होगा, कुछ लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में होगा, कुछ लोगों का सेकेंड शिफ्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है कि 22 तारीख को है प्राइमरी टीचर एंड फाइनेंस ऑफिसर का हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्राइमरी टीचर का बीच में 2 दिन, आप बीच में आप देख सकते हैं कि 23 तारीख को यहाँ पे 23 तारीख को PGT इंग्लिश, PGT इकोनॉमिक्स और PGT CS का यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड पाली और फर्स्ट पाली के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद 24, 25, 26 ये सब जो है प्राइमरी टीचर के। फिर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 28 तारीख को PRT का जो है आपका समाप्त हो जाता है प्राइमरी टीचर का, और यहाँ पे जो है कि 1 तारीख को यहाँ पे दे रखा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। ठीक है, एक तारीख को, उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का आपका जो है 5 मार्च तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद 5 मार्च को ही आपका स्टोनोग्राफर भी है सेकेंड पाली में, और लाइब्रेरियन, फिर लास्ट में 11 मार्च तक आपका पेपर है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होगी, ये आज ही का नोटिस जारी हुआ है, इसलिए मैं सोचा कि इस पर आपको एक बार बता दिया जाए कि आपको शिफ्ट अपने अकॉर्डिंग पता चल जाए। तो आई होप चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। दोस्तों, यहाँ पे हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।